सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के नगरगामा पंचायत में नगरगामा गांव में रास्तिक विवाद को लेकर दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें कि एक कमल चौधरी थे जिनके की जमीन से रोड बनाना चाह रहे थे दूसरे पक्ष के लोग, जिसमें शुभेंदु कुमार चौधरी और गुड्डू जो उप मुखिया भी है नगरगामा पंचायत के, वो कई लोगों के साथ आकर और कमल चौधरी के साथ विवाद हुआ और उसी बीच में गोली चलाई गई जिससे कमल चौधरी घायल हुए। दलसिंह सराय अस्पताल भी उनको लाया गया और उसके बाद रेफर किया गया, पटना जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही और भी कई लोग, दो तीन लोग घायल हैं। इस पूरे प्रकरण में जो घायल कमल चौधरी का जो पुत्र है उसके बयान पर, फर्ज बयान पर कांड दर्ज किया गया है और उसमें जो लोग बनाए गए हैं, अभियुक्त बनाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी चल रही है।